आज महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने कुंतेश्वर महादेव का यहाँ जो है विधि विधान से पूजन अर्चन करके महाभिषेक किया हूँ और भगवान से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 500 पार जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और हमारे यहाँ सभी देशवासी मोदी जी से खुश हैं। और इस बार वोट जो है मोदी जी के नाम से पड़ेगा, भाजपा से मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, अगर जानवर भी खड़ा हो जाएगा तो भी वह जो है तो विजयी होगा, जीतेगा, क्योंकि अब जनता सिर्फ कमल का बटन दबाएगी। जन प्रतिनिधि कौन है कैसा, इससे कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। और इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव वास्तव में एक प्रकार से वैचारिक महाभारत है। जिस तरह से जब महाभारत हुआ था तो देश दो भागों में बट गया था, कुछ लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, कुछ लोग धर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे। जिसकी जैसी विचारधारा है, अगर जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जनता का हित चाहते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का ही चयन करना होगा, उनको बीजेपी को ही वोट देना है। और जो अधर्म, जो पत्थरबाजों के समर्थक हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो नफरत की बात करने वाले लोग हैं, जो जातिवाद परिवारवाद तुष्टिकरण को बढ़ावा देने की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोग जो है तो इंडिया गठबंधन के साथ में है, लेकिन उनकी संख्या मात्र 5% है। इसलिए इस बार का जो चुनाव हो रहा है यह राष्ट्रवाद के नाम पर होगा और सिर्फ मोदी जी का चेहरा देख करके वोट पड़ेगा। और भाजपा से कोई भी खड़ा हो जाए, यहाँ सिर्फ कमल का बटन दबेगा और 500 पार इस बार सीटें जो है प्राप्त होगी। मैं लगातार सभी तीर्थ में भी जा रहा हूँ और भक्तों को भी बता रहा हूँ। वैसे हम लोग संत हैं, हम लोगों के लिए सब बराबर हैं, लेकिन नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, और दूसरी जितनी पार्टियां हैं उनके लिए जो है तो फैमिली फर्स्ट है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट है। इसलिए जिसके लिए नेशन फर्स्ट है उसके लिए हम लोग समर्पित हैं, और जिसके लिए फैमिली फर्स्ट है वो केवल अपने परिवार का जेब भरने वाले जो लोग हैं उनसे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर और 500 पार सीटें मोदी जी को मिले, ये मैं जनता से भी जो है अपील भी करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और ये लगातार हमारा अभियान चल रहा है, चलता रहेगा।